तो बच्चों आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 24 करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या कहती है। इसमें एक हेडिंग दी है, कहते हैं तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने संगत व एकांतर कोणों की पहचान तथा इन कोणों के बराबर होने की स्थिति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जी तिर्यक रेखा द्वारा दो प्रतिच्छेद रेखा, ये आपकी दो रेखाएं हैं, इनको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करते तो जो आपके संगत कोण बनते हैं ये कोण बराबर होते हैं, उनकी पहचान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ये जो कोण बनते हैं जो जेड बनाते हैं एकांतर कोण, ये भी बराबर होते हैं, इनकी पहचान के बारे में पढ़ना। ये हम जानते हैं कि संगत कोण कौन से हैं, एकांतर कोण कौन से। आइए बच्चों नीचे देखे प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न कहता है यदि एक तिर्यक रेखा को दो रेखाओं यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। ये दो रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, इनके समद्विभाजक संगत कोणों के समद्विभाजक, ये समद्विभाजक है भाई जी, ये क्या जी समद्विभाजक है, ये क्या जी आपके समद्विभाजक। ठीक है जी, समद्विभाजक का मतलब दोनों कोण ये क्या है बराबर बराबर है, ये दोनों कोण क्या है आपके बराबर बराबर है। ठीक है जी, अब ये जो हमने समान समद्विभाजक जो रेखा खींची है समांतर रेखा है, ये कहता है जी दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, यदि एक रेखा को दो यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी संगत कोणों के युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर है। संगत कोणों के जो समद्विभाजक है वो परस्पर क्या जी समांतर है, ये हमको दिया हुआ है, यानी कि BE जो है वो समांतर दिया है CG के, और ये कोणों के समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होगा जी, कोण एक कोण ABE की बात करूंगा तो दुगना होगा कोण A का, कोण एक का क्या होगा जी वो दुगना होगा, क्योंकि दोनों क्या समद्विभाजक है, एक का दुगना कर दूंगा तो पूरा कोण बन जाएगा ABE, सॉरी ABE नहीं ABQ। ठीक है जी, तो दुगना होगा। उसी तरह से BCS भी क्या होगा, कोण BCS भी क्या होगा दुगना होगा कोण दो का। ठीक है जी, ये दो चीजें उसने हमें खुद ही लिख कर दिए क्वेश्चन में कि यदि दो रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है और इनके द्वारा जो एक संगत कोण है संगत कोणों के समद्विभाजक रेखाएं जो बन रही है परस्पर क्या समांतर है, समद्विभाजक कोण है यानी कि दोनों कोण क्या है बराबर, और जो रेखाएं बन रही है वो क्या है जी समांतर। ठीक, अब ये दोनों कोण बराबर है तो एक कोण का दुगना करूंगा तो पूरा कोण बन जाएगा, एक कोण का दुगना करूंगा तो पूरा कोण, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है, तो ये जो दोनों रेखाएं दे रखी ये भी क्या है आपकी परस्पर समांतर है। ठीक है, ये सिद्ध करना। तो उपपत्ति देखिए, उपपत्ति में क्या करेंगे जी, हम उपपत्ति में हम करेंगे बी ई रेखा जो है वो समांतर है सी जी के। ठीक है, ये दिया है हमको, और रेखा अगर समांतर है तो संगत कोण भी क्या होंगे जी बराबर होंगे। संगत कोण कौन से इसके, इसका एक मान लिया इसका दो, दोनों समांतर रेखा के ऊपर है, कोण एक बराबर कोण कौन से कोण है जी आपके संगत कोण। अगर ये संगत कोण है तो उनका दुगना भी क्या होगा बराबर, कोण एक बराबर दुगना होगा कोण दो का, इसका डबल दोनों का डबल कर दे तब भी क्या रहेंगे वो बराबर रहेंगे, और हम दो कोण एक की जगह कह सकते हैं कोण ए बी जी ए बी क्यू सॉरी दो कोण दो की जगह क्या लिख सकते हैं कोण बी सी एस। ठीक है, डबल कर लेंगे दो। अच्छा, दो है मेरे भाइयों ये दो। अब ये हो गया हमारे पास कि ए बी क्यू ये बराबर है बी सी एस यानी कि, और देव ये भी तो संगत कोण है तो लिख देंगे, परंतु ये संगत कोण है, और अगर ये संगत कोण है तो रेखाएं क्या होंगी जी हमारी पी क्यू पैरेलल होगी आर एस, क्योंकि संगत कोण तभी संभव है जब ये रेखाएं क्या होंगी आपके पैरेलल होंगी, या पैरेलल जब होंगी, अगर ये संगत कोण होंगे तो रेखाएं क्या होंगी आपकी पैरेलल होंगी समांतर होंगी। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है जी,
कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब देखते हैं आगे क्या कहता है अभ्यास के लिए उसने। क्या कहा उसने, यदि कहा कि यदि एक रेखा, अभ्यास में है आपके, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी, तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी अंत एकांतर कोणों के एक युग्म के, अंत एकांतर कोण, एकांतर कोण ये है आपके, एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समान को, समद्विभाजक भाई कोण का समद्विभाजक ये हो गया समझो, और इसका समद्विभाजक आपका ये हो गया, परस्पर क्या है जी समांतर है, बी सी हो गया समझो ये, और ये सी जी हो गया समझो ये परस्पर क्या है जी आपके समांतर है और समद्विभाजक भी है, ठीक है। समद्विभाजक यानी के दोनों कोण क्या है जी आपके समझो बराबर है, तो आपने उसी तरह से क्वेश्चन हो गया कि बी सी समांतर है किसके जी सी जी के, और कोण एक कोण सी सी यहाँ पे है तो कुछ और नाम दे दो जी आप, यहाँ कह देंगे डी कह देंगे जी, ठीक है जी, तो सी बी डी कोण सी बी डी, बी बी यहाँ पर इसे ई कह दो सर, ई कह दो ठीक, तो बी ई हो जाएगा बी ई, ठीक है जी, तो कोण क्यू बी सी क्या होगा भैया डबल होगा कोण एक का, एक का डबल कर दो तो क्यू बी सी हो जाएगा, और आर सी बी कोण आर सी बी ये डबल होगा किसका दो कोण दो का, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है दो है ये जेड नहीं है, ओके। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है, ये दोनों रेखाएं भी क्या है आपस में अगर समांतर, पी क्यू समांतर है जी, आर एस दिखाना है, तो पत्ति में बिल्कुल इसी तरह से हम क्वेश्चन कर देंगे, क्या लिखेंगे जी बी ई समांतर है किसके आपके सी जी के, दिया है अगर समांतर है तो संगत कोण एकांतर कोण सब बराबर होंगे भैया जी, तो ये समांतर अगर हैं तो ये एक और दो क्या है जेड बना रहे हैं, तो कोण एक बराबर होगा कोण दो के, कौन से कोण बना रहे हैं क्योंकि ये एकांतर कोण, ठीक है एकांतर कोण बना रहा, तो इनके डबल भी क्या होंगे, डबल भी क्या होंगे बराबर होंगे, और कोण एक का अगर मैं डबल कर दूं तो ये पूरा बन जाएगा क्यू बी सी, ये बन जाएगा कोण क्यू बी सी, दो का डबल कर दूं तो ये पूरा बन जाएगा, बन जाएगा आर सी बी कोण आर सी बी, ठीक है। अब हमें जानते हैं ये पूरा कोण बराबर हो गया इसके, ठीक है ये भी जेड बना रहे हैं, लिख देंगे परंतु ये कौन से कोण है जी एकांतर कोण है, परंतु ये एकांतर कोण है, और अगर ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण होंगे कब जब ये लाइन क्या होंगी पैरेलल होंगी, तो क्या हो जाएगा आपका पी क्यू पैरेलल हो गया आपका आर एस के, ठीक है ये उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, बिल्कुल सेम उसी पहले क्वेश्चन का अपोजिट सा ये, वहां पे संगत कोण थे यहाँ पर एकांतर कोण है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आकृति दो में x और y का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर दो है ये, ठीक है जी, और दर्शाए कि ए बी समांतर है सी डी के, x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है जी, आकृति दे रखी है सीधी सीधी इसने हमें, ठीक है जी, आंसर इसका देख लीजिए आंसर टू यानी के, इसने ये कहा हमसे इंक भर लेते हैं जरा, इसने कहा x और y के मान ज्ञात करो और साथ दर्शाओ कि ए बी समांतर है सी डी के, तो देखिए कैसे हम ज्ञात कर लेंगे, x प्लस पचाई 50 हम जानते हैं कि ये आपके रेखीय युग्म में एक ही रेखा पर बने हुए, इसी रेखा पर के ऊपर बने हुए दोनों को, तो एक ही रेखा पर बने हुए तो इनका योग 180 होता है, कारण क्या लिखते हैं जी रेखिक युग्म, ठीक 50 को उठाकर तो लेंगे काय का हो गया 180 माइनस का 50 कितने बचे जी आपके, आपके बचे 130 डिग्री, कितने डिग्री बचे आपके 130 डिग्री बचे, ठीक है जी। अब वाई और 130 क्या है, तो शीर्षाभिमुख कोण है तो वाई बराबर कितना होगा 130, कौन से कोण है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण, अच्छा जी, तो हमने पाया एक्स भी 130 आ गया वाई भी 130 आ गया, शीर्षाभिमुख थे ना ये, अब दोनों बराबर आ गया करिए, ठीक है जी, लिख देंगे अतः x बराबर आ गया आपके y के, ठीक है,
दोनों 130 है। अगर ये दोनों बराबर आ गए और हम ये जानते हैं कि ये तो जेड बना रहे हैं, परंतु ये कौन से कोण है, परंतु ये कौन से कोण है जी, एकांतर कोण है जेड बना रहे तो, और एकांतर कोण कब हो सकते हैं जब ये लाइन क्या होंगी पैरेलल, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका समांतर हो जाएगा किसके, सी बी के, क्योंकि एकांतर कोण तभी संभव है जब रेखाएं क्या होंगी आपकी समांतर होंगी। ठीक बात जी, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें।